एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग बेसब्री से केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज का भी वेट कर रहे हैं। आप लोग बाबा पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज इस साल आएंगी या नहीं। तो सी, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आपको लास्ट टाइम 2022 में देखने को मिली थी, और आप लोगों ने ये भी देखा था, आप लोगों को ये एंड ऑफ द ईयर देखने को मिली थी, दैट इज दिसंबर में आपकी वैकेंसीज देखने को मिली थी। एंड देन जो आपका एग्जाम था वो फरवरी में पीआरटी वालों का, पीजीटीज का, धीरे धीरे करके सारे पोस्ट का एग्जाम जो थे हो गए थे, राइट? तो अब जो आपकी वैकेंसीज होंगी वो कब तक आएंगी, आपके दिमाग में ये डाउट जरूर होगा। तो सी, आपकी वैकेंसीज डेफिनेटली आने वाली है। तो 2024 का साल है वो बहुत लक्की ईयर है आप लोगों के लिए फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपको पता है आपकी नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज भी ऑलमोस्ट दे आर ऑन द लाइन। आप लोगों के 15 जुलाई से स्टार्ट भी है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो अब आप लोगों का नेक्स्ट जो होगा DSSSB की पीआरटी की वैकेंसीज भी आएंगी, एंड आफ्टर दैट आप लोगों की केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आपको अक्टूबर से नवंबर तक आप मान के चलिए, पर इस साल डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो DSSSB की कर रहे हैं, कीप ऑन गोइंग ऑन। अगर आप DSSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि DSSSB से, दिल्ली गवर्नमेंट से, आसान पेपर केंद्रीय विद्यालय का आता है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए आप लोग KVS की तैयारी भी करिए अगर आप लोग DSSSB की कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट इस साल आपको जरूर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।